पंडित आज वीर बाला कालीबाई कलासुआ के इस शहादत दिवस समारोह में पधारे हुए तमाम भाई बहनों आप सभी को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। आज यह जो कालीबाई कलासुआ एक कम समय में उन्होंने शिक्षा के लिए अपने प्राणों को त्यागा था, तो उस कालीबाई को मैं इस धरती से जहां नमन करना चाहूंगी कि आज उसके मार्गदर्शन में ही हम यहाँ खड़े होकर बोल पा रहे हैं। उस वीर बाला ने यह कर दिखाया और भूरे भारत के इतिहास में उसने अपना नाम जो था वो रचा है। तो मैं यहाँ पर तमाम जो मेरी बहने हैं उनसे कहना चाहूंगी क्या यहाँ से प्राण लीजिए और हमारी जो शिक्षा की देवी थी उस देवी ने हमको जो रास्ता दिखाया है तो उस रास्ते से अपन को चलना होगा और बिल्कुल ही हमको अपने जो आज दिन तक अंधविश्वास में है उस अंधविश्वास से हमको बाहर निकलना होगा। आज घर में देखा जाए तो हमारी महान जो वीर बाला जो कालीबाई कलासुआ कहलाने वाली जो हमारे शिक्षा का मार्ग दिखाने वाली उस देवी की अगर तस्वीर हमारे घर में रखेंगे तो उसको देखेंगे उसकी जीवनी को पढ़ेंगे तो हमारी बहनें जो है वह जरूर ही अपने समाज के लिए कुछ कर पाएगी। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी और हमारी बहने हैं उनको अवगत कराना चाहूंगी कि इतिहास गवाह है हमारी शिक्षा के लिए हमारी वीर बाला ने क्या कर दिखाया था। तो मैं इसी तमाम यहाँ पर जो भी आज इस कार्यक्रम में आए उनसे कहना चाहूंगी कि अपने हर घर में एक वीर बाला कालीबाई कलासुआ की तस्वीर आप जरूर रखें ताकि अपने आने वाली भावी पीढ़ी उस तस्वीर को देखेगी उस जीवनी को पढ़ेगी तो जाके अपन एक तरफ बात करते हैं शिक्षा होगी तो अपन भारत का संविधान पढ़ सकेंगे और भारत के संविधान में हमारी पास की अनुसूची एवं हमारे हक अधिकार है उसकी जानकारी हम ले पाएंगे। इसलिए अपन सभी को एक प्रण लेना होगा और मैं भी इस धरती से उस पुरखों को नमन करते हुए हमारे भाई जगदीश भाई भंडारे को भी याद करते हूँ और उनको भी नमन करते हूँ और हमारे भाई सलीम भाई को भी इस धरती से जोहर नमन करती हूँ क्योंकि वह तो भाई हमारे बीच में नहीं रहे पर आपकी जो आत्मा है वो आत्मा इन पुरखों की तरह ही हमारे साथ में है वो मैं कहना चाहती हूँ। इसलिए हमको लड़ने से ज्यादा पढ़ना जरूरी है, अगर हम पढ़ेंगे सही रास्ता दिखाएंगे तो अपना आने वाली पीढ़ी जो भावी पीढ़ी है वह सही मार्गदर्शन में जाएगी वो ही मैं कहना चाहती हूँ। और खाली में दोनों इनका गीत गाऊंगी समय नहीं है इसलिए